छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शासकीय कर्मचारियों पर कुछ लोगों द्वारा उनके सरकारी काम में बाधा डालते हुए हमला कर दिया गया। इस दौरान कुछ कर्मचारियों व वहां मौजूद अन्य लोगों को चोटें भी आई हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहां पर गौठान के लिए प्रस्तावित भूमि पर महत ग्राम के कुछ ग्रामीणों के द्वारा कब्जा किया गया था। इस कब्जे को हटाने की कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान नवागढ़ तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा के तकनीकी सहायक व ग्रामवासी सरपंच, पंच, सरपंच पति भी मौजूद थे। इस दौरान कुछ लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए शासकीय कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच पति और पंच भी चोटिल हो गए, जिसके बाद मनरेगा के तकनीकी सहायक के द्वारा नवागढ़ थाना में शिकायत दी गई, जिसमें 18 लोगों के खिलाफ आईपीसी धारा के तहत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इन 18 लोगों में कुल 11 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में उस समय हड़कंप मच गया जब शासकीय कर्मचारियों पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया गया। इस दौरान कुछ कर्मचारी व अन्य लोग भी घायल हो गए। हमले का कारण ये बताया जा रहा है कि शासकीय अधिकारी व अन्य वहां हुए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए गए थे। इस दौरान कब्जाधारी नहीं चाहते थे कि उनका कब्जा वहां से हटवाया जाए। देखते ही देखते वह गुस्सा हो गए और उन्होंने हमला कर दिया। हमले के बाद चोटिल हुए लोगों में अस्पताल में भिजवाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद 18 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 18 लोगों में कुल 11 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। इन सभी लोगों को काबू कर लिया गया है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। इन द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाली गई थी, शासकीय कर्मचारियों पर हमला कर दिया गया था। इस दौरान कुछ कर्मचारी व अन्य लोग भी घायल हो गए थे। शिकायत के बाद संज्ञान लेते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शासकीय कर्मचारियों पर कुछ लोगों द्वारा उनके सरकारी काम में बाधा डालते हुए हमला कर दिया गया था, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए थे। ये लोग यहाँ पर अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए गए थे। यहाँ ये भी बता दें कि पहले भी सरकारी कर्मचारियों पर हमले हो चुके हैं। जांजगीर से संवाददाता महेश शुक्ला की रिपोर्ट। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम महंत का ये मामला है, जिसमें गोठान हेतु प्रस्तावित भूमि, जहां पर कुछ महंत ग्राम के ही कुछ ग्रामवासियों के द्वारा उसमें बेजा कब्जा किया गया था, उस बेजा कब्जा को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। और उस दौरान वहां नवागढ़ तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और साथ ही मनरेगा की तकनीकी सहायक और साथ में ग्रामवासी, पंच, सरपंच पति, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और उसी दौरान जो बेजा कब्जाधारी थे उनके द्वारा इन पर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए इन पर हमला किया गया, जिसमें सरपंच पति और पंच को चोट भी आई। और इसमें जो मनरेगा की तकनीकी सहायक है उसकी तरफ से इसमें FIR दर्ज की गई। इसमें कुल 18 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 294, 506, 323, 147, 148, 186 और 332 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें 18 लोगों में कुल 11 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.